और नागालैंड दोनों जगह चुनाव हुए, क्या लगता है सरकार? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि त्रिपुरा की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रही है। नागालैंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चीफ मिनिस्टर रियो साहब ने अच्छा काम किया है पिछले 5 वर्षों में। नागालैंड में एनडीपीपी और भाजपा की सरकार 2/3 बहुमत से पुनः आएगी और हम सरकार बनाएंगे। रही बात मेघालय की, जैसा कि हम जानते हैं कि मेघालय में पिछले बार भाजपा की 2 सीटें थीं, लगभग 9% वोट शेयर था। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आप न केवल वोट शेयर में एक बड़ा उछाल देखने वाले हैं, पर सीटों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और भाजपा जो है सरकार के गठन में एक सेंट्रल रोल प्ले करेगी मेघालय में भी। क्या आप कॉलिशन में जाएंगे, शर्मा के साथ जाएंगे? देखिए, मेघालय के चुनाव परिणाम के उपरांत ही ये तय होगा कि किस रूप से सरकार की रचना होगी। भाजपा एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगी। हमारा मानना है कि मेघालय की जनता पूरी तरह से करप्शन के मुद्दे पे और साथ ही साथ डेवलपमेंट की चाह में तत्पर है, और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम ऐसी सरकार का गठन करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएं जो जनता को एक करप्शन फ्री, डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट दे पाएगी। कितने उछाल होने की संभावना है वोट प्रतिशत में भाजपा को इन राज्यों में आपके हिसाब से पिछले 1 साल पिछले चुनाव के बनिस्पत? देखिए, पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार का काम नॉर्थ ईस्ट ने देखा है, उन्होंने न केवल 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट को विजिट किया है, हर एक विजिट में नॉर्थ ईस्ट को कोई ना कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिया है, और नॉर्थ ईस्ट की जनता को मेन स्ट्रीमिंग करने का काम किया है। जो एक कटाव था सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच में, उसको कम करने का काम मोदी जी ने किया है। नॉर्थ ईस्ट की जनता का अथाह विश्वास मोदी जी पर है, और उसी का परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक भाजपा की सरकारें चुनी जा रही हैं और हर एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस सुधर रहा है। मुझे लगता है कि ये जो 3 चुनाव होने वाले हैं उसमें भी आपको सेम ट्रेंड दिखेगा। तीनों राज्यों में भाजपा की वोट शेयर बढ़ने वाली है, सीट की संख्या बढ़ने वाली है, और तीनों राज्यों में हम कहीं ना कहीं सरकार में एक अहम भूमिका में रहेंगे।